कहते हैं ना कि जहाँ प्रयासों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ता है। हेलो हाय, मेरा नाम उमंग है और आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। किस्मत एक ऐसा वर्ड है जो इतने सपने तोड़ देता है जितनी मुश्किलें भी कभी नहीं तोड़ती। और किस्मत एक ऐसा वर्ड है जो अगर इंसान के दिमाग में बैठ जाए ना तो वो अपनी काबिलियत को देखना भूल जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर सकता है और कितना कर सकता है। अभी कर सकता है, इसी लाइफ में कर सकता है। आप ये भूल जाओ कि दुनिया में किसी डिक्शनरी में किस्मत नाम का वर्ड देखा भी है। भूल जाओ कि तुमने किस्मत नाम का वर्ड सुना भी है। यह इस दुनिया में ऐसा कोई वर्ड भी होता है। यह जो किस्मत नाम किसी ने बनाया होगा ना, इस दुनिया में वो पक्का एक बहुत बड़ा आदमी रहा होगा जो ये चाहता था कि ये जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, इनके मन में ये बिठा दिया जाए कि अगर इनको ऊपर उठना है तो अच्छी किस्मत लेकर पैदा होना होगा। ये बिल्कुल सही है कि अगर आपको किस्मत बदलनी है तो ये भूल जाओ कि तुमने कभी लाइफ में किस्मत नाम को भी सुना है। अगर तुम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो जिस लेवल को ये दुनिया अच्छी किस्मत के नाम से जानती है तो तुम्हारे लिए क्या एप्लीकेबल होगा? देखो, जो करता हूँ मैं करता हूँ, जो मेरे साथ होता है वो मेरे किए हुए की वजह से ही होता है। मैं जैसा आज बीज बोऊंगा वैसा ही पेड़ कल उगेगा, और जितना आज मैं अपने आप को घिसूंगा उतना ही इस दुनिया को लगेगा कि मेरी भी किस्मत चमक रही है, ये भी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। किस्मत तो आपकी उसी दिन चमक गई थी जब आप इस दुनिया में आए थे, और इस दुनिया में पैदा होने के लिए कितनी लंबी रेस लगानी पड़ती है। तो जितने लोगों को हरा कर तुम आए हो ना इस संसार में, उतनी तो इस दुनिया में जनसंख्या भी नहीं होगी। जन्म लेना किस्मत को बदलने से ज़्यादा मुश्किल, और जन्म लेने में ज़्यादा कंपटीशन है, समझदार लोग समझ गए होंगे। तो ये किस्मत कौन सी बड़ी चीज़ है? किस्मत को बदलने का एकमात्र यही तरीका है कि भूल जाओ कि आपने किस्मत को सुना है। अरे सुनेगी तो दुनिया तुम्हारे खुद के नाम को। एक बार जरा झंडे गाड़ कर तो देखो, भूल जाओ कि नींद नाम की कोई चीज़ होती है, वीडियो गेम नाम की कोई चीज़ होती है और टाइम पास नाम की कोई चीज़ होती है। अगर कोई है तो वो तुम खुद हो, और जब बड़ा आदमी बन जाओगे ना तो लोग ये देखने नहीं आएंगे कि तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वो केवल इसलिए तुमसे मिलने आएंगे कि चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो और चाहे तुम्हारे स्ट्रगल कुछ भी रहे हो, बस तुम जिस लेवल पे होगे ना उस लेवल को लोगों को इज्जत देनी ही पड़ेगी, वो चाहें या ना चाहें। ये लक नाम की और किस्मत नाम की चीज़ है ना, वो पता नहीं कौन सिखा गया इस दुनिया को, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर लक होता हो, क्योंकि हर जगह केवल और केवल मेहनत होती है। किस्मत को नहीं, आदतों को बदलिए। सक्सेसफुल लोगों से जलिए मत, उनसे सीखिए कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल डाली। इस दुनिया में डेली कोई ना कोई अपने सपनों को हासिल कर रहा है। ये एक प्रोसेस है जो कि हमेशा होती है, हर रोज़ होती है। और किसी का सपना हो, खुद का घर हो और आज उसका घर बन गया, तो कोई ड्रीम जॉब चाहता है, आज उसे वो जॉब मिल गई, कोई एग्ज़ाम को टॉप करना चाहता था और वो आज कर लिया। हमेशा से ही चलता आ रहा है कि जो लोग खुद में बिलीव कर रहे हैं ना वो लोग अचीव भी कर रहे हैं। फाइनली आप ये समझिए कि सफलता का रास्ता मेहनत से होकर ही जाता है, इसके लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं। पसीने की एक एक बूंद से मिली सफलता न केवल अनमोल है बल्कि यही समाज के लिए उदाहरण भी है, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ये आप बार बार याद रखिए। बेशक सफलता का रास्ता कठिन होता है और इसे पाने में निश्चित रूप से मेहनत बहुत लगती है। सफल व्यक्ति को देखने पर कुछ लोग केवल सफलता पर जाते हैं पर उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते, और जो उसी काम में असफल हो जाते हैं वो ये कहते फिरते हैं कि यार भाग्य हमारे साथ नहीं था। तो आप भी भाग्य के भरोसे न बैठिए, और क्योंकि भाग्य के भरोसे कभी भी सफलता नहीं मिलने वाली, इसके लिए सही दिशा में मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, आज से नहीं अभी से, और फिर देखिएगा आप किस तरह से सितारे के रूप में चमकेंगे। फॉरगेट योर पास्ट, फॉरगिव योर सेल्फ एंड बिगिन अगेन राइट नाउ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।